गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? ठीक है, वेरी गुड। आज मैं आपको थोड़ा सा अपना थॉट्स वैलेंटाइंस डे के बारे में बताना चाह रहा हूँ। सीन क्या है कि कल 14th है, 14th फरवरी है, और वैलेंटाइंस डे जिसको कहते हैं, जिसमें बेसिकली जो लोग एक दूसरे के साथ डेट पे चले जाते हैं और जो भी होता है, हम सबको पता है। अब पाकिस्तानियों के साथ क्या मसला है कि हम बड़े कंफ्यूज है कि भाई हम वेस्टर्न लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं या हम मुसलमान लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं, यह हमारी सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। तो मैं देख रहा हूं कि टीवी चैनल्स पे या यहां तक कि मैं कल एक बुक स्टोर पे था और बुक स्टोर पे छोटे से पंफलेट्स थे जिसमें इस्लामिक रीजंस थे, व्हाट इज लव एंड हाउ लव शुड बी सेलिब्रेटेड एंड वैलेंटाइंस डे क्यों गलत है और बेशर्मी है और बेहयाई है, और उस पंफलेट का प्राइस था 45 रुपये। तो मैंने सोचा मैं आपको अपने थॉट्स बता दूं फ्री में। वेल, टू माई अंडरस्टैंडिंग वैलेंटाइंस डे में पीपल कन्फेस देयर लव फॉर ईच अदर, चाहे वो सूडो लव हो, रियल लव हो, या झूठे मुंह से टीनेज लव हो, बट बॉटम लाइन इज लोग एक दूसरे को बता रहे हैं आई लव यू, एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा दिन जिसमें आप प्यार का इजहार करते हैं, लव की बात करते हैं, उस वो बुरा हो सकता है। हाँ भाई इब्राहिम भाई, लेकिन आप तो गलत कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में बेहयाई है, बेशर्मी है, और वैलेंटाइंस डे का हिस्ट्री आपको नहीं पता। नंबर वन, आई नो पाकिस्तान में बेहयाई बेशर्मी है, वो पूरे दुनिया में था, है और रहेगा। जिसने गलत करना होता है वो गलत करता है, जिसने अच्छा करना होता है वो अच्छा करता है, उसको वैलेंटाइंस डे का एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है। दैट्स नंबर वन। नंबर टू इब्राहिम भाई, लेकिन ये क्रिश्चियनों का है, यहूदियों का है, ज्यूज का है, और ये सेंट वैलेंटाइंस था आपको हिस्ट्री का नहीं पता। आई डोंट केयर सेंट वैलेंटाइंस ने क्या कहा था, बगैर शादी का क्या करना है और शादी के साथ क्या करना है। वट एवर मेक्स यू हैप्पी, वन वर्ड, लव। हम जिस मजहब को भी, जिस खुशी को पढ़ ले समझे, तो प्यार इज द बॉटम लाइन। अगर आप प्यार कर सकते हैं, बाय द वे प्यार करने की चीज है, होने की चीज नहीं है, अगर प्यार कर सकते हैं तो आप खुश रह सकते हैं। अब वो प्यार क्या है? जेन्युइन लव, जेन्युइन स्पिरिचुअल लव। और मैं सेक्सुअल लव की बात नहीं कर रहा, मैं जेन्युइन स्पिरिचुअल लव की बात कर रहा हूं। तो व्हाई नॉट हम मिलके हेल विद वैलेंटाइन, चलो वैलेंटाइन्स भी मना लो, अच्छी बात है, हम मिलके ना एक ऐसा दिन सेलिब्रेट करें जिसमें हम सब को आई लव यू कहते हैं। उस गरीब बंदे को जो सड़क पे हमें मिलता है उसको आई लव यू कहते हैं, अपने घर के जो माँ है, बाप है, उसको आई लव यू कहते हैं, भाई बहन को आई लव यू कहते हैं, बाहर जाके कॉलिग्स को हम आई लव यू कहते हैं, अपने बॉसेस को आई लव यू कहते हैं। जो सड़क पे खड़ा वो सार्जेंट है जो सारा दिन खड़ा होकर आपकी आपकी सेफ्टी के लिए सिग्नल चेंज करता है, उसको हम आई लव यू कहते हैं। वाई नॉट हम इस तरह की कोई दिन सेलिब्रेट करें, उसका नाम भी कुछ भी दे दो, वैलेंटाइंस दे दो, बड़बड़ी दे दो, आई डोंट केयर व्हाट एवर द नेम इज, आई डोंट गिव अ शिट व्हाट द नेम इज, जस्ट सेलिब्रेट लव मैन। लव के बगैर कुछ नहीं है, मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं है इस दुनिया में। आपने कितना दिन रहना है दुनिया में? 80-90 साल, बहुत अच्छे रहे तो 90 साल। व्हाट डू यू वांट टू लिव फॉर? आपका लाइफ फुल ऑफ हेट हो आप ज्यादा खुशी मिलेगी, या फुल ऑफ लव हो आपको ज्यादा खुशी मिलेगी? मेरे एक कॉलेग ने मुझसे कहा, लेकिन इब्राहिम तुम इतना डिनायल में कैसे रह सकते हो, दुनिया में बुरे लोग, गंदे लोग। आई नो, बट आई चूज टू बिलीव कि दुनिया में अच्छे लोग हैं, सब अच्छे हैं, एंड आई चूज टू कन्फेस दैट आई लव एवरीबॉडी। जैसे मैं आप सबसे प्यार करता हूं जिन्होंने मेरा YouTube चैनल पर सब्सक्राइब किया है, और उनसे भी बहुत प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं जिन्होंने मेरा YouTube चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। आइदर वे, आप बड़े हैं, छोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सब्सक्राइब किए हुए या नहीं किया हुआ, आई लव यू। और मुझे इस आई लव यू कहने के लिए कोई वैलेंटाइंस डे की जरूरत नहीं है, कोई न्यू ईयर ईव की जरूरत नहीं है, आई जस्ट लव यू बिकॉज आई एम फुल ऑफ लव। खुश रहिए, प्लीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स दें, प्लीज एक दूसरे को लव यू कहिए। दुनिया प्यार एक ऐसी चीज है जो बांटने से कभी काम नहीं होता। खुश रहें, बाय बाय।